हजारों हैं मंजिलें, लाखों हैं रास्ते, रुकना नहीं तू ये है तेरे ही वास्ते। आए आंधियां या तूफान सर पे आए, चलने में तेरे बस कदम ना डगमगाए। दुनिया में बड़ी है सबसे तालीम की ये दौलत, जीतेगा हर एक जंग तू इस ही की बदौलत। कोई ऐसी एक तू मिसाल कायम कर कि जिंदगी बन जाए तेरी ए दस्तावेज दस्तावेज। भले ही मुंबई से हूं लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि ये धारावी बस्ती अपने प्रकार की एशिया की सबसे बड़ी बस्ती है। I mean to say Asia's largest slum. Asia's largest slum? That should mean the world's largest slum. हाँ, ये भी कह सकते हैं मिस जरीन दारू। आप लोग देखिए यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, पूरे भारत की झलक आपको यहाँ मिलेगी। गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर तरह की बोली बोलने वाले, हर तरह के धर्मों को मानने वाले, अलग अलग काम धंधे करने वाले, हर तरह के लोग मिलेंगे। आइए चलिए। या अल्लाह, क्या हुआ अशरफ, कितनी बदबू है यहाँ। अशरफ, हम लोग यहाँ सोशल वर्क करने आए हैं, अगर किसी ने तुमको यहाँ ऐसे रिएक्ट करते हुए देख लिया ना तो बहुत बुरा मानेगा। मिस्टर अरुण मेहता इज राइट अशरफ, वैसे भी अपन यहाँ इन लोगों को समझाने के वास्ते आया दैट दे शुड कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, तो अपन को इन लोगों से टैक्ट के साथ डील करने को मांगता, राइट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिस जरीन। समाज सेवा का काम करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है, और इस स्लम बस्ती में काम करना तो और भी कठिन है। यहाँ शरीफ से शरीफ और दुखी से दुखी लोग बसते हैं, तो बुरे से बुरे और बदमाश से बदमाश लोग भी बसते हैं। माफिया गैंग के लोग भी आपको नजर आएंगे, अपना शरीर बेचने वाली वेश्याओं से भी आपको डील करना पड़ेगा। बट मैडम दैट इज इम्पॉसिबल, कोई भी इज्जतदार इंसान एक वेश्या के नजदीक ही नहीं जाने को मांगेगा। अरे वो औरतें इंसान ही होती है ना, उनको पढ़ा लिखा कर रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन अपनाने के लिए तैयार कर सकती हो। I agree with you, ma'am, लेकिन 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 कुछ नहीं, ये काम तो तुम्हें ही सौंपा जाएगा। Take it as a challenge. Okay, fine. If it's a challenge, I accept it. That's right. देखिए दोस्तों, चाहे हमारी संस्था का मेन एम एडल्ट एजुकेशन है लेकिन हम लोग एजुकेशन को उसके वाइडर सेंस में लेते हैं। इन लोगों का सोशल और पर्सनल विकास करना ही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि उस शिक्षा का कोई अर्थ ही नहीं है जो साधारण व्यक्तियों को जिंदगी से संघर्ष करना नहीं सिखाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपकी बात सुनकर मुझे आपको किस काम में लगाना है ये मैंने सोच लिया है। भाई और बहनों, हमें बहुत खुशी है कि आप लोग हमारी बात मानकर यहाँ इकट्ठा हुए। आप लोग यकीन मानिए कि हम लोग आपकी सहायता करना चाहते हैं। मेरी साथी रवीना जी को एक काम सौंपा गया है कि जितना संभव हो सके वो आप लोगों की सहायता करें। अब मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, रवीना जी आपसे बातचीत करें। अरुण, मैं इन लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ? ये तो आप ही को सोचना है। आप ही ने तो कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिंदगी से संघर्ष करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, और तो और हमारी संस्था का मेन एम ही तो ये है, जरूरतमंदों को शिक्षित करना। आई लीव रेस्ट टू यू, बाय।
दोस्तों, मुझे अपने आप से अलग मत समझना। मैं ये जानती हूँ कि आप में से कोई किसी ना किसी कारणवश अपना हाथ खो चुके, अपने पैर खो चुके और कोई दूसरे बीमारी का शिकार हो चुके, और इसलिए अपने आप में आप कमी महसूस करते, अपने आप को लाचार समझते। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि, क्या नाम है तुम्हारा? गंगू। हाँ तो गंगू जी, मेरा मतलब ये है कि कोई ना कोई कमी तो हर इंसान में होती ही है। तुमने हमारा मजाक उड़ाने के लिए बुलाया इधर हमको? मैं मजाक उड़ा रही हूँ? क्या आप लोगों को लगता है कि मैं मजाक उड़ा रही हूँ? मैं तो आप लोगों को इतना एहसास दिलाना चाहती हूँ कि वास्तव में भीख मांगना आप लोगों को भी बुरा लगता है, अगर नहीं भी लगता है वो भी बुरी बात है। आप लोग आधे हो चुकी हो, माफ करना, आप लोग सुस्त और आलसी हो चुके हो। लोग आपके झोली में पैसे डाल देते हैं, हरी जिंदगी लड़ाई का नाम है, बड़ी लड़ाई और संघर्ष आप लोग करना ही नहीं चाहते हो। सीधा सीधा बताओ औरत, तुमने हमें बुलाया क्यों? गंगू भाई साहब, ये बताने के लिए कि आप लोग थोड़ी बहुत कोशिश करें तो आप लोग इज्जत की रोटी खुद कमा सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि हम लोगों ने एक संस्था बनाई जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, काम करना सिखाएंगे, जिससे आप ऐसे ऐसे होते हुए भी काम कर सकेंगे। हाँ हाँ, देखे हैं आप जैसे बहुत लोग, हम जैसे हैं सो हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है ना आपकी सहायता की, ना आपकी मदद की और ना ही आपकी हमदर्दी की। चलो भाइयों, चलो यहाँ से, चलो। आप लोग जाना चाहते हैं जरूर जाइए, लेकिन एक बात याद रखना, कल मैं यहाँ फिर आऊंगी, और अगर आप लोगों से कोई यहाँ आना चाहते हैं तो जरूर आइए, मैं उनका स्वागत करूंगी। बहुत देखे इनकी जैसे। चलो भाई, चलो। नमस्ते 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 नमस्ते। मुझे देखकर ये खुशी हो रही है कि आप लोग काफी संख्या में पढ़ने के लिए आ गए हैं। बैठिए बैठिए बैठिए। जी जी मास्टर जी, हम ब्लॉक नंबर 14 वालों ने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि हम लोग पढ़ने के लिए आएंगे जब कल आकर आप हमसे मिले थे। ओ मास्टर जी, गाल ये है कि 12 और 13 नंबर ब्लॉक के ना बहुत सारे लोगों ने पिछले साल तुम्हारी क्लासों में दाखिला लिया था जी, तो उनका बड़ा फायदा हुआ जी, तो हमने सोचा भी क्यों ना हम भी पढ़ ले। कोई जी जूही बेफजूल हमको अंगूठा छाप तो नहीं कहेगा ना, क्यों जी? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। की नाम है तोड़ा? ओ बल्ले बल्ले, चक ते फटे जी, तू तो पंजाबी बोलन लग गए। ओ खैर, हमारा नाम जो है सरदार अमृत सिंह है और साड़ी सवारी अमृतसर से आई है जी। चंगा जी चंगा। पहले मैं आप लोगों का नाम नोट करता हूँ और साथ में ये भी बताते जाइए कि आप लोग काम काज क्या क्या करते हैं। हाँ तो आप बताइए। मेरा नाम प्रभुदयाल देश पांडे है जी, नाके में पाव भाजी का रेडी लगाते हैं। और नाम के साड़ा तो अनु पता लग ही गया जी, ते काम तंदा अपना किसे वधिया काम तंदे की तलाश करना है जी। अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको काम जल्दी से मिल जाए। वैसे हमारी संस्था कारपेंटरी की क्लासेस शुरू करने जा रही है, आप चाहे तो वहाँ से काम सीख कर खुद कारपेंटरी, मेरा मतलब है बढ़ईगिरी का काम शुरू कर देना। ये गलत है, बहुत बढ़िया है जी। मेरा नाम सुनीता है जी और मैं घरों में बाई का काम करती हूँ। अच्छा, और मास्टर जी, ये साले जन शिक्षण संस्थान वाले बाज नहीं आए, साले इस ब्लॉक में भी आ गए क्लासे लगाने, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। तो क्या चाहते हो उस्ताद, क्या करना है हमें? फिलहाल तो तू एक काम कर, तू भी जाके उधर दाखिला ले ले, फिर सोचते हैं इनका क्या करना है। ठीक है केलकर उस्ताद। मेरा नाम केशव यादव है, मैं म्यूनसिपालिटी में नौकरी करता हूँ और नालियों की सफाई करता हूँ। कोई और तो नहीं रह गया ना सिवाय मेरे मास्टर जी? और मेरा नाम तुम? हाँ ये भी कर सकते हैं। आप लोग देखिए, यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, पूरे भारत की झलक आपको यहाँ मिलेगी। गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हर तरह की बोली बोलने वाले, हर तरह के धर्मों को मानने वाले, अलग अलग काम धंधे करने वाले, हर तरह के लोग मिलेंगे। आइए चलिए। मारने का चीज़ बोल रहा है।
हाँ, क्या नाम बताया था जी? नाम भीखू और काम पहलवानी। बैठो बैठो जी। ये हर आदमी कहाँ से आ गया हूँ? हाँ तो आज हम अपना पहला पाठ शुरू करते हैं। आ आ ई ई ई उ उ आ आ ई ई उ। अरे मास्टर जी, हमने नहीं पढ़ना ये आ आ ई ई उ उ। अरे पढ़ाना है तो हमें अंग्रेजी पढ़ाओ। वो क्यों? वो इसलिए कि जो ग्राहक लोग हमारे पास आता है, किसी को हम स्वीटहार्ट कह सकें, किसी को डार्लिंग कह सकें, और किसी के साथ अंग्रेजी में किटपिट किटपिट कर सकें, पैसा तो डबल मिल जाएगा। चलो भाई, माना तुम्हारा बात, मगर क्या तुम ये सोचता है कि हम तुम्हें इसलिए पढ़ाने के वास्ते आया कि तुम अपने धंधे में ज्यादती कमा सको? नहीं, हम तो तुम्हें इसलिए पढ़ाने के वास्ते आया, अच्छे काम सिखाने के वास्ते आया कि तुम अपना ये प्रोफेशन, ये बुरा काम शरीर बेचना छोड़कर कुछ अच्छा काम कर सको। ए मास्टर जी, तुम कौन होती हमारे काम को बुरा कहने वाली? हम शरीर बेचते हैं तो दो वक्त की रोटी भी खा लेते हैं, साथ में दलाल को भी चार पैसे दे देते हैं। ज्यादा नेतागिरी मत दिखा, चल अपना काम कर। अपुन जाएगा, फिक्र मत करो, अपुन जाएगा। मगर जाने से पहले तुमसे एक क्वेश्चन पूछने को मांगता, अपने हार्ट पे, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, तुम्हें ये धंधा करते हुए अच्छा लगता है? एवरी डे ये नया नया क्लाइंट या आदमी लोग आता है और तुम्हारी जिस्म को अपना प्रॉपर्टी समझ लेता है जस्ट बिकॉज उसने तुम्हें 30-40-50 रुपये दे दिए, तो क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है? अब जाओ बहन जी, हमको कुछ नहीं कहना। मतलब हमला, वरना हम भी रो पड़ेंगे। हम जानते हैं कि आपके दिल में हमारे लिए हमदर्दी है। आप जो कुछ भी कर रही है वो हमारी भलाई के लिए ही कर रही है। बस एक मेहरबानी कीजिए अब। हाँ बोलो फरीदा। आप हमें घुलकर बताइए कि जो आपने हमें पढ़ाने का और दूसरी बातें सिखाने का बंदोबस्त किया है, उसमें हमारा क्या फायदा होगा? सच पूछिए तो हम में से कोई भी इस गंदे गांव में नहीं रहना चाहती थी। जानते हो फरीदा, तुम लोग ये काम मजबूरी में करता है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, अपुन का तुम लोगों के लिए एक प्लान है। चलना खोटी मत कर। अबे तूने ठीक से उन लोगों को पहचान तो लिया था ना जो उस मास्टर की क्लास में आए थे? बिल्कुल उस्ताद, और मैंने उनकी खोली नंबर और ब्लॉकों का भी पता ले लिया जहाँ ये लोग आते हैं। ठीक है, चलकर रामदास सेठ को रिपोर्ट देंगे, और इस ब्लॉक के ठेकेदार से भी पूछना पड़ेगा कि इन आइटम लोगों और इनके दलों से हफ्ता वसूल किया कि नहीं। ठीक है उस्ताद। अरे अरे, ये खूबसूरत आइटम भी इस मोहल्ले में रहती है? नहीं उस्ताद, ये उन संस्था वालों, मेरा मतलब है जन शिक्षण संस्थान वालों की वॉलेंटियर है। मैं इसे सरिता ब्रांच पे के दफ्तर में आते जाते देख चुका हूँ। अच्छा, तो इनके हौसले इतने बढ़ गए हैं कि इन बेचारी आइटम लोगों को भी बिगाड़ देंगी हैं? ए चलो अंदर, ए अंदर, ए तू क्या पोस्ट बना रही है? चल जाने कि इन संस्था वालों ने फिर से रंग दिखाने शुरू कर दिए। पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम जिसके लिए भिकमंगों और वेश्याओं तक नहीं छोड़ा। चलकर अरे अपने एरिया के मजदूर जो हमें अपता देते थे, भिकमंगे वो हमें अपता देते थे, वेश्या और उनके दलाल वो हमें अपता देते थे, अगर उनको पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, नए नए धंधे सिखाए जाए तो हमारे तो वांदे हो जाएंगे। नहीं नहीं कहकर, ये सौदा घाटे का है। तो हुक्म कीजिए सेठ जी, हमें क्या करना है? आप कहें तो इस बार भी। नहीं 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 कहकर, नहीं नहीं नहीं, सबर से काम लेना पड़ेगा, सबर से। मालूम है पिछली बार उनके काम में हम लोग ने अड़चन डाली तो क्या हुआ था? बहुत बड़ा हंगामा हुआ था, बहुत बड़ा हंगामा, बात पुलिस तक गई थी। क्या बात? किस्मत से यहाँ का इंस्पेक्टर भी नया है। भिकू, पहले मैं उससे बातचीत कर लेता हूँ, उसको पटा लेता हूँ, फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं। क्यों? बिल्कुल ठीक सेठ। Thank you.
मैम साहब, आप हमको नहीं पढ़ाएगा? अरे तुम, मैं तो सोच रही थी कोई नहीं आएगा। कैसे नहीं आता मैम साहब, आपके मन में इतना दया है और अरे अरे दया मत कहो। हाँ, अगर हमदर्दी कहना चाहते हो तो बेशक कह सकते हो। हम लोग एक दूसरे के सुख दुख बांटने के लिए तो है। अरे क्या हुआ? अब हमको चू रहा है मैम साहब, लोग तो हमको देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। बहुत अच्छा है मैम साहब, हम जानते हैं आप हमारी इधर भलाई के लिए आए हैं। तो आप पढ़ाई शुरू करें। अब हमको अकेले ही पढ़ाएगा मैम साहब? तुम जैसे अच्छे स्टूडेंट मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है मैम साहब। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब के सब विद्यार्थी क्लास में आए हैं, बल्कि एक दो नए चेहरे भी मैं देख रहा हूँ। भाषा के साथ साथ गणित का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। जैसे 2 और 3 कितने होते हैं, 2 × 3 कितने होते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप लोग गणित में माहिर हो जाओ तो आप लोगों को पैसे लेने देने के मामले में कोई धोखा नहीं दे सकता। तो आज पहले मैं 2 का पहाड़ा सिखाता हूँ। तो बोलिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 2 × 10 = 20। वाह! सबसे पहले हम तुमको मुंबई के बारे में बताएगा, जहाँ तुम लोग रहती हो और जिस सिटी का ये धारावी बस्ती एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सिस्टर सिस्टर, आपने ये बताया था कि हम अपनी बस्ती को साफ सुथरा रख सकती हैं। कैसे रख सकती हैं? क्या आप हमें ये भी बताएंगी? हाँ हाँ, वो बताना तो जरूरी है, बल्कि गली कूचों को साफ करने का मिशन जो हमारा संस्था स्टार्ट कर रहा है, उसमें अपुन भी आपका हाथ बटाएगा। अरे जरीन मैडम, आप क्यों, अपुन का हाथ पांव नहीं है क्या? आ से अनार, आ से आम, ई से इमली, घा से घड़ी। मैम साहब, देखा मैम साहब, आ गया ना टाइम पे। अरे गंगू तुम? हाँ मैम साहब, हम ही नहीं बल्कि हमारे और साथी भी। आ जाओ भाई, पढ़ने के लिए आ जाओ। नमस्ते मैम साहब। देखा मैम साहब, हम भी पढ़ेंगे मैम साहब, सोच भी नहीं सकते कि आप लोग पढ़ने के लिए आएंगे। क्यों नहीं आएंगे मैम साहब? तो हम लोग फिर से शुरू करें। आ से अनार, आ से आम, ई से इमली। बोलिए खेलकर पानी सर से ऊंचा जा रहा है, पानी सर से ऊंचा जा रहा है। मैं समझा नहीं सेठ। अरे इस जन शिक्षण संस्था का काम इतनी जल्दी कामयाब होगा मैंने सोचा ही नहीं था। और सेठ इस बार तो पुलिस है। पुलिस का नाम मत लेना। वो नया इंस्पेक्टर अड़ियाल निकला, उसको पटाने की कोशिश की, पटता ही नहीं। अरे उसकी रजामंदी के बिना तुम्हारे लोग काम कैसे करेंगे? इसकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए सेठ जी। क्या मतलब? इसे देखिए। कौन है ये? इंस्पेक्टर वीके राणे का बेटा है, मैंने इसे अगवा कर लिया है। अगर वो इसकी खैरियत चाहता है तो आपकी बात जरूर मानेगा। पते की बात की है। जा, संदेशा भेज दो उसे। कहना आंखें बंद करके बैठ जा, ताकि खुलकर हम वही करें जो हम चाहते हैं।
वैसे पियोगे? सुनो 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 बस्ती वालों, कान खोल कर सुन लो। भीखू पहलवान और खेलकर उस्ताद बस्ती के इन सारे ब्लॉक वालों को चेतावनी देते हैं कि कोई भी बस्ती वाला जन शिक्षण संस्थान द्वारा चलाई जा रही इन संस्थाओं में ट्रेनिंग लेने ना जाए। आदेश ना मानने वाले के खिलाफ जबरदस्त कार्यवाही होगी, और आदेश ना मानने का मतलब होगा एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना। याद रहे? हाँ समझे? याद रहे? चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। कुछ नहीं, मैं हूँ। हेलो सर, रखो एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, बात ये है कि जन शिक्षण संस्थान वालों की क्लासों में पढ़ाई करके और उनसे ट्रेनिंग लेके हमें बहुत फायदा हो रहा है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप उन गुंडों को रोकिए जो हमें तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं कि हम वहां ना जाएं। इंस्पेक्टर साहब, हमने सोच लिया है कि हम वहां पढ़ने भी जाएंगे और जो ट्रेनिंग हमें मिल रही है वो लेने भी जाएंगे। इतना जानते हो इंस्पेक्टर साहब, एक पार्ट हमें और भी पढ़ाया गया था कि पुलिस सबकी रक्षा के लिए है, और अगर आपने अपना फर्ज अदा ना किया तो अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। यही कहने आए थे हम लोग, हम जा रहे हैं। चलो चलो, मैं जानता हूं सर कि आप एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन मत भूलिए कि जो लोग आपके बच्चे को उठा के लेके गए हैं वो आपके बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये बात है। अरे सेठ, जहां जहां भी हम गए सब के सब साले पढ़ने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले ही थे। अगर इतने लोगों के खिलाफ हमने कुछ किया तो वो तो हमारे सारे आदमियों को पीट देंगे। अरे ऐसे कैसे पीटेंगे? एक ही रास्ता है सेठ जी। केलकर, क्या किया जाए इन लोगों का? मैं तो कहता हूँ सेठ की अगर इस बस्ती के बेवकूफ लोग इन लोगों से तालीम लेने से बात नहीं आते तो इन्हीं लोगों को समझाना होगा कि उन्हें पढ़ाना सिखाना छोड़ दें। तुम लोगों को हमारी बात मानने का वादा करना होगा, वरना अंजाम क्या होगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। बस समझना कि जो उम्मीद पढ़ने वालों के दिल में जाती है हम उस पर पानी फेर देंगे। हमें अपने कर्तव्य का पूरा ध्यान है और इतने विकार नहीं है हम, समझे? कहीं भला हमारा साथी नहीं, हमें अपनी जान की परवाह भी नहीं। जान की नहीं लेकिन इस खूबसूरत शरीर की तो परवाह है। अबे देख क्या रहा, शुरू कर। कारपेंटरी सीखने का एक फायदा ये हुआ कि तुम्हारा दरवाजा क्लच। क्या इकदार है मुझ पर? अगर मैंने अब भी कुछ नहीं किया तो मुझे अपने बेटे की जान की बिल्कुल परवाह नहीं। साहब क्या हुआ आपके बेटे को? बेटा आजा 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 आजा, मुझे ले आजा। ना ही तुम पूंजीपति और ना ही तुम्हारे खरीदे हुए गुंडे समझ सकेंगे
कि शिक्षा देने और पाने की अभिलाषा एक ऐसी अभिलाषा है जिसे पूरा करने के लिए इंसान बड़े से बड़ा त्याग करने को तैयार है, और ये इच्छा जिस गरीब के मन में पैदा होती है तो बड़े से बड़े तूफान भी नहीं उसे रोक सकता। तो तुम जैसे खुदगर्ज और समाज के दुश्मन क्या खाक रोकेंगे?